गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट क्यूटीज। तो ऑलमोस्ट अभी देखो सुबह सुबह ऑलमोस्ट 6:30 हो रहे हैं एंड मुझे आज कहीं अर्जेंटली जाना है, जो कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरी लाइफ को बर्थडे से पहले बहुत ज़्यादा दिन है, तो मैं बता बर्थडे से पहले का वीडियो है ये। मैंने ठंड लेते मैंने बाथरूम पहना हुआ है। मैं एक चीज़ बता दूँ सबको कि ये मोमेंट मेरे लिए बहुत अच्छा है। आई कैन एक्सप्रेस दिस राइट नाउ, तो जस्ट मुँह हाथ धो के रेडी होकर निकलते हैं। मुझे जल्दी पहुँचे, 9:30 पहुँचते कहीं पर। एंड यस, मुझे 8 तक निकलना पड़ेगा यहाँ से। तो हम आज के अच्छी जगह जा रहे हैं, बहुत जगह जहाँ पे बहुत मज़ा आएगा। तो लेट्स गो एंड कम ऑन। एंड ये तालाब की साइड है और मैंने बता दिया, अभी मैं रास्ते बताऊँगी, फिर तुम वीडियो नहीं देखते। गाय चाय पी रही हूँ मैं, यहाँ से रेडी हो चुकी हूँ। मम्मी आज क्या होने वाला है आपको पता है? सवेरे सवेरे की उठी हूँ मैं, इग्नोर। क्या है आज? चल खा रहा वकील बनूंगा, तुमने सुन लिया ना जज ना? चलो कोई नहीं, सुन पता लगेगा। चाय आलू ही रखा हुआ हमने यहाँ पे। हाय रुद्र, बाय मम्मा, बाय मम्मा, बाय रहो पापा, बाय बोले जा मम्मा, बाय गंगू जल्दी बुला मम्मा को। ओके हो गया। तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ, ऐसे ठंड में भरा कोट पहना मैंने अभी। आई हैव अ लॉट टू टॉक। ओके मेरा भाई यहाँ बनाना खा रहा है, स्कूल जा रहा है, ये मेरा अज्जू है एंड आई एम गोइंग। सबको पता मैं कहाँ जा रही हूँ बट स्टिल सबको एक बार रिकॉर्ड एंड ऑल। चलो निकलते हैं घर से बाहर अभी। चलो बाय बाय, देख कर आती हूँ मैं 12:00 तक, ठीक है? चलो निकलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि मैं जो रिकॉर्ड नहीं करा, मेरे पापा ने मेरे सर पे हाथ रखे, बोला आशीर्वाद, बोलते हैं हाँ आशीर्वाद, मम्मी ने, भाई ने। ओ क्यूटीज़, क्यूटीज़ स्कूल जा रहे हैं, तो क्यूटीज़ हैं ये पे आने वाली, तो पापा बोले जा जा। तो आज मैं जा रही प्ले वे स्कूल, अगर आप चलो पोनी चक में। पहली बात तो मैं जगह नाम नहीं पाया था, थैंक्स टू अरुण सर, निकिता दीदी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी क्या है आहिस्ते आहिस्ते पता लग जाएगी। तो आई वाज थिंकिंग कि टाइम बी ऑन पंचुअल, टाइम पे जाना चाहिए, तो मैं ऑटो लेती हूँ यहाँ से जेवल से। आगे का सफ़र दिखाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, वहाँ पे क्या है बहुत कुछ। और मैं यही कहूँगी तुम सबको कि मेरे से कुछ लो नहीं लो, बट मुझसे ना जिगरा ले लो सारे, कि आप इतना कैपेबल बनो कि आप घर वाले खुद लोग जाओ, ठीक है? एंड इसमें OOTD बहन के बूट मांगे, बाकी सब मेरे ही हैं। एक्चुअली मैंने पहले नानी का कुर्ता लगाया था, बट वो ज़्यादा ओवर था ना, मैंने ना फिटिंग नहीं कराई थी। आई थॉट कि फिर इंसान लगेगा, अच्छा लगेगा, बट कहीं ना कहीं दीदी कहती नहीं इतना सूट नहीं कर रहा, और आई जस्ट वॉन्ट टू बी परफेक्ट दैट मोमेंट। तो मैंने बस सनस्क्रीन अप्लाई करा, और मैं फाउंडेशन लगाती हूँ, मैं लिपस्टिक और वो लगाती हूँ, लिपस्टिक और वो क्या बोलते हैं मेरा ग्लॉस। गाना था भगवान जी के, हाय नंदिनी। तो गाइस भगवान जी भी हमारे यहाँ पहुँच चुके हैं, आवाज़ आज अच्छा दिन जाएगा मेरा। पैसे मेरे को मम्मी कह रही थी कि ऑटो रहने से पैसे लगेंगे, 20 रुपये मतलब पूछ जाना वहाँ तक। अगर मुझे 2 से 5 में मेट्रो नहीं मिलती तो मैं ऑटो लेके दफा हो जाऊँगी। 45 मिनट्स लगने हैं मुझे वहाँ तक पहुँचने में, अभी 8 बज रहा है, मुझे 9:30 पहुँचना अप्रॉक्सीमेटली, शुरू 10 बजे होना है। मेट्रोडोर तो बैठ गया, अब जिंदगी की लग कर रहे हैं, टाइम हो जाएगा। अब कन्फ्यूज बाकी सिटी से गाड़ी पकड़ूँ या चुमकी से गाड़ी पकड़ूँ, जिंदगी में बहुत सिचुएशन चल रही है मेरी। मैं भागी पौड़ी, और मैं भागी पौड़ी है, हाँ पौड़ी, मुझे कहाँ पता मिल जाएगी कि मैं ना लाइफ में 3rd time पौड़ी। ओ भाई ये भी खाली रखी है, सुबह सुबह कौन आ गया इतना ऐसे, बट ये ड्रॉप्ड में भैया वहाँ जाना है, उधर प्ले वे स्कूल है ना, कोई प्ले वे स्कूल पौनी चौक, वहाँ कितनी दूर है यहाँ से? बहुत दूर है, बहुत दूर है। ठीक है ठीक है ठीक है, अरे बहुत रश है यहाँ तो, पूरी मेट्रोडोर भरी बड़ी है, सुबह 2 खाली मिली, 1 भरी मिली। चलो विल सी अब क्या करते हैं। द पॉइंट एज यू कैन सी मेरे पीछे लगा है, पहली बात है अप्रिसिएशन फॉर द स्टाफ ऑफ द स्कूल जिन्होंने मुझे बुलाया,
मैं पहुंच गई सेफली, उन्होंने डायरेक्शन दी, साथ साथ मेट्रो वाले जिन्होंने मुझे बहुत प्यार से जल्दी पहुंचाया टाइम पे। तो ये पोनी चक समथिंग है, मैं आपको लोकेशन दिखाती हूँ। जस्ट प्ले वे हाई स्कूल, दिस इज द स्कूल एंड आई डोंट नो प्रॉपरली लोकेशन। पोनी चक गुलाब किलो एंड यू कैन सी छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे एंड दिस इज द स्कूल। सो आई हैव टू, वाओ यहाँ तो बहुत प्रिटी प्रिटी है, कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। मेरे मुँह से वाओ निकला स्कूल देख के, मुझे लगा नहीं था कि ऐसे जगह इतना बड़ा स्कूल। वाओ बच्चे देख रहे हैं, हाथ पकड़ के जा रहे हैं, मतलब प्ले वे हाउस हाई सेकेंडरी। ओके मैंने देखा, देखो पोनी चक लिखा भी यहाँ पे, बच्चे हैं। आज यहाँ पे कॉम्पिटिशन है, इसको मैं जज कर रही हूँ, और शी इज हियर, जिन्होंने मुझे बुलाया है, जिन्होंने मुझे बुलाया है। हेलो ईशीज, निकिता दीदी यहाँ पे, मैम है, कैसे मैम? गुड मॉर्निंग, ठीक है आप? आई एम गुड। आपने डायरेक्शन बहुत सही से दी मेरे को, मैं पहुँच गई और टाइम पे पहुँची, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ये हमारे एनसीसी के स्काउट्स एंड गाइड्स के बच्चे हैं, जो कि छोटे छोटे बच्चे बैठ जाते हैं। हाँ छोटे छोटे भी यहाँ, ये अपने काम के लिए जा रहे हैं, ये हमारे एनसीसी वाले सर हैं। ओके तो एक्चुअली स्काउट्स एंड गाइड्स, स्काउट्स एंड गाइड्स, हाँ मैंने भी करा एक बार। हेलो बच्चा पार्टी, हेलो हाय, और कैसा लग रहा है, जा रहे हो मेरे को छोड़ के जा रहे हो? अरे यार फिर कंपटीशन कौन देखेगा, सैलेड कौन खाएगा प्यारा वाला। अच्छा फिर कैसे, कौन सी क्लास में हो आप? सेवेंथ में। स्कूल कैसा लगता है अपना आपको? बहुत बढ़िया। सबको ध्यान से जाओ और सब्सक्राइब कर लेना, घर जाके कर लोगे ना। नेहा पडवाल नाम है, PADW मैम से लेना। बाय बाय। पहली चीज देखी भाई, सिक्स सेवन्थ में कौन स्काउट गाइड करता, मेरे स्कूल में तो इतनी अवेयरनेस नहीं, स्कूल में अवेयरनेस अच्छी आती है, बच्चों को डिसिप्लिन सिखाता है। देखो हमारा प्यार, बाकी स्कूल देख के मेरे मुझे वाव निकला, पता बाहर से एक्सपेक्टेशन ज्यादा अच्छा है, रेनोवेशन चल रहा है तो अभी इम्प्रूवमेंट हो रही है। अरे श्योर श्योर। अरे दीदी मेरा मैं मन बहक रहा है स्लाइड देख के, ये बुक कितना क्यूटली बनाया हुआ है, वही वही मेरा भी, इतने क्यूट क्यूट बच्चे हैं छोटे छोटे। ओके अब चलते हैं, एकेडमी डायरेक्टर से बात करिए। अभी अभी बात करने से पहले मेरा मन इतना वो हो गया कि मुझे बच्चों की प्रेयर सुनाई दे रही है, एंड आई वाज सो फैसिनेटिंग, मुझे बच्चों की प्रेयर सुननी है। क्यूट कौन बोला, नाम सिखा रहे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं यार। ज्वाइन कर मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ गए। गाइस दिस वाज सो गुड, क्योंकि कॉलेज में प्रेयर नहीं होती, स्कूल में मैंने की थी, मुझे एडमिशन चाहिए यहाँ पे यार, बहुत क्यूट लगे मुझे ये। तो अब जाके हम यहाँ के एकेडमी डायरेक्टर से बात करते हैं कि वाई प्ले वे स्कूल, क्योंकि बड़े बच्चे भी देखे सेवन, तो प्ले वे तो होता नहीं है, और यहाँ मैंने बच्चों के बैचेस देखे, ट्रुथ वगैरह बैचेज होते हैं, विजडम हाउस एंड ऑल, और आज क्या है और मुझे क्यों बुलाया है मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में। मेरे साथ में है, जहाँ चलते हैं निकिता मैम, आज यहाँ पे कैसी एक्साइटमेंट लग रही है आपको? और मेरा क्या काम है यहाँ पे, बताएंगे थोड़ा आप? आप जज बने हो, आपको सैलेड खाने को मिलेगा। आई हाय हेल्दी फूड। तो निकिता मैम ने बुलाया, गुड मॉर्निंग इनको भी, तो मैम ने मुझे बुलाया, जो इनका एकेडमी डायरेक्टर है वो थोड़ा सा आपको पता है बिजी होंगे ऑब्वियसली, तो उनकी बाइट हम लेते हैं आराम से। बाकी इधर स्कूल इतना प्यारा है ना, मुझे स्कूल जाना है, मुझे नहीं जाना कॉलेज, स्कूल लाइफ इज द बेस्ट है। बाकी यहाँ जा रहे हैं, रेनोवेशन चल रही साथ साथ। वाह ये बच्चे नहीं है, वाह मेरे घर वाले मुझे पेंसिल वगैरह नहीं देते, इनको पेंट दिया था। वाह 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 वाह, सरस्वती माता एंड ऑल, बढ़िया बच्चे पढ़ रहे हैं। ये हमारी नाइन्थ क्लास है। मैं कमिंग सर, सर पढ़ा रहे हैं। वाह बच्चों की मैथ की क्लास चल रही है, मुझे दिखे सर की शक्ल से हमारे मैथ ऐसे दिखते थे कसम से, क्यूट से। ये मेरे भी सर रह चुके हैं, समझ ये नहीं आ रहा कि इतना ट्रस्ट करके इन्होंने बच्चों को अपने पेन पेंसिल पकड़ा दिया है दीवारों पे कलाकृति करने के लिए। हमारे घर वाले पेंसिल लेके हमें तकलीफ होती है, शिक्षा का अखंड मंडलकार स्वरूप। वाओ नॉलेज। हेलो कर लो मैम, हेलो गुड मॉर्निंग मैम, हेलो कर दो, ठीक है पढ़ो पढ़ो अब। हाँ नहीं नहीं पढ़ती मैम, इतनी रिस्पेक्ट। हेलो सबको, हेलो
हेलो, कोई बात नहीं कोई बात, दीदी रहने दो, पीछे ये बनाया ना प्लीज, बैठ जाओ बैठ जाओ, बैक बेंचर्स देखने हैं मुझे पहले, आए बैक बेंचर्स, ठीक है ये अच्छी ड्राइंग है, शाइनी फील करना है इधर किसी ने भी, ठीक है। अच्छा बैक बेंचेस बड़े सही लग रहे हैं मुझे, मज़ा आता है बिछड़ने का, आता है आता आता है, फर्स्ट बेंचेस दिखाओ जरा, पक्का फर्स्ट आप टॉपर्स होना है यहाँ के, नहीं 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 सिटिंग अरेंजमेंट है, ओह सिटिंग अरेंजमेंट है, सबसे बेकार चीज़ लगती है जो बच्चा बताएगा उसको मेरी तरफ से प्रमोशन, चलो एक आप कोई भी बताओ इनमें से कोई जगह बताएंगे बच्चे, गोवा कहाँ पे है बताओ 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 बताओ, कहाँ गोवा, गोवा ये यहाँ पे, ओ वाह वाह, क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग, वाह अंकित, वाह वाह वाह, गुड 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 गुड। तो गाइस ये है वो जगह जहाँ पे आज जज बने हैं हम, ओके ये बच्चे बना रहे हैं, ये मुझे वहाँ शंकरा के क्यों लग रहे हैं, बड़े बच्चे आए हैं मुझे वो फिर पसंद आया, अच्छा बना डांस, एंड यहाँ पे सर, ओके गाइस ये है यूथ टैलेंट सर्च सैलड मेकिंग कॉम्पिटिशन प्ले वे हाई स्कूल, एंड मैम यहाँ पे बच्चे, अभी और बच्चे भी आ रहे हैं ना, हाँ ऐसा ऐसा आएंगे, दो स्कूल और आ रहे हैं। आपको सैलड में सबसे ज़्यादा क्या पसंद नहीं है पहले आप बताओ? अनियन, अनियन वही तो जान होती है सैलड की, नहीं पसंद, कोई बात नहीं ऐसे खाते हो, ओके अब क्यूटीज है मेरे सामने, कैसे हो आप मैम? ठीक है, अच्छी सुनाई कैसे, अच्छी कर लेते हो आप, थ्रू था उससे आपका बैच देखा मैंने, यस मैम। अच्छा फिर कहाँ से हो आप? खानपुर से। खानपुर कहाँ पढ़ते हो? लेवे में। अच्छा आज सैलड कॉम्पिटिशन है, यस मैम। तो आज क्या खिलाने वाले हो हमको, मतलब सबसे आपको क्या पसंद है कि आज के सैलड में ये चीज जान ली है मैंने आज? टोमेटो मेरे को बड़ा पसंद है। आपको मैम? मेरे को सब कुछ ही पसंद है। हेलो वही, बढ़िया बढ़िया, एक्साइटेड हो? यस मैम। थैंक यू मैम। मैंने दो बार बाइट ली बट ना मेरा माइक का इशू अभी कुछ इशू, एक बार फिर ले लेते हैं, सॉरी वॉइस वाली बात, तो अगेन स्टार्ट कर दे, हमारे छोरे के छोरियों से याद हो गया। अच्छा कहाँ से हो? ओके स्कूल कौन सा? ओके क्या चीज़ सैलड में नहीं डालोगे आज? चिली। तीन बार बेचारे बता चुके हैं मुझे, बड़ी मेरे को शर्म नहीं आई पूछते इनको। अच्छा फिर कॉन्फिडेंस पूरा? मैं मतलब ग्लो किस चीज़ कहता हूँ तुम लोगों के अंदर, चमक रहे दोनों, सूरज तो नहीं ना गई है? सूरज ही है, चमक पड़ रही है। ओके थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट, अच्छे से बनाना, दिल से बनाना। तो क्यूटी लड़की से मिली, आपके वाले बालों में जो रिबन लगा है ये बहुत कम दिखता है आजकल मुझे, वैसे स्कूल में अलाउड है आपको ये रिबन? क्यूट है ना। अब मुझे बताओ कि कैसा एक्सपीरियंस है इंटर कॉम्पिटिशन में आके किसी और स्कूल में? अच्छा क्या एक्साइटमेंट है? अच्छा सैलड में क्या क्या प्रिपरेशन सीखा तो किया था या फिर ऐसे ही स्टार्टिंग में अभी करना किया था? टेस्ट मैंने, ठीक है चलो ऑल दी बेस्ट आप दोनों को, और अच्छे से करना, और आई वॉन्ट कि जीते हो सभी, मैं तो सबको ही बोलूँगी थैंक यू सो मच। बच्चों के बाइट ली, सबके बाइट लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, और अभी मेरे पास एक चीफ गेस्ट हैं जो मेरे साथ जज करने वाले हैं, जम्मू की जानी मानी हस्ती हैं ये, तो दिख बताती हूँ कौन, पहचान तो लिया होगा सर को रब ने। और सर कैसे हैं आप? सर बताओ पहले एक्सपीरियंस कैसा है मुझे देखने का यहाँ पे? आप बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ अरुण सर है अकेडमी यहाँ के डायरेक्टर, अकेडमी डायरेक्टर, एंड मैम हमारे साथ है, मैम का नाम नहीं पूछा मैंने, वसुधा मैम। ओके मैम आप मतलब यहाँ पे जज कर रहे हैं? नो आई एम जस्ट फॉर द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ओके, मैम स्टूडेंट की साइड से हैं, हम सैलड की साइड से हैं, और सर स्कूल की साइड से बोल रहे हैं, काफ़ी एक्साइटमेंट बच्चे पूरे मतलब बच्चों ने प्रिपेयर कर रहा है पूरा यहाँ पे। मैं तो अगर मेरे से कॉम्पिटिशन देते हैं ना कॉलेज वाले से, मैं उसी दिन करती हूँ, मैं कोई प्रिपेयर नहीं करती, स्टिल देखते हैं क्या। सर मेरा नाम फिर से बोलना आहिस्ता से, मैं सब रिकॉर्ड नहीं किया था। ओके ओके मैम, यू आर नेहा पटवाल एंड यू आर ए फेमस यूट्यूबर एंड ब्लॉगर। ओके बस यही सुनने के लिए फिर सर बुलवाया से मैंने, जो मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा था। सर सैलड में क्या पसंद है सर आपको? मैम मेरे को सैलड में कुछ भी पसंद नहीं है। मैम आप? सुजिता घाटन। आपको क्या पसंद है सैलड में? सैलड में सब कुछ, स्पेशली कुकम्बर्स, बीटरूट। दोनों अपोजिट बैठे हैं, इनको कुछ भी पसंद नहीं है। ओके गाइस बच्चे स्टार्ट कर चुके हैं बनाना, बच्चों ने ये सेटअप कर रहे हैं, ये एप्रन पहन रहे हैं, यू कैन सी पूरी हाइजीन, टीचर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने बच्चों को यहाँ पे, ग्लव्स पहन रहे हैं, एंड यू कैन सी इज द जजिंग पैलेट, आई गॉट द पेन एंड हाउ इट फील्स, इट्स वेरी ग्रेट। अरुण सर साथ बैठे, मैंने अपनी चीज़ छोड़ दी इनको, मैंने बोला सर मुझसे बैठ नहीं जाएगा, तो आई एम गोना इंटरेक्ट विद द किड्स एंड बच्चों की चीज़ें
बताती तुम सबको यार। देखने के बाद ना मेरा गला दबा देगी कि छोटी छोटी बच्चियाँ काट रही है और मुझे बेशरम कुछ भी नहीं आता है, सीरियसली मुझे काटना नहीं आता। तो कैसा लगा आके आपको यहाँ पे स्कूल, कैसा लगा प्ले वे आपको, अच्छा लगा? ओके ओके, यू हैव ग्लव्स, हाइजीनिक पूरा, एप्रेंस, चलो ऑल द बेस्ट, वेलकम। हमारे छोरे छोरियों से कम थोड़ी ना है, कितने क्यूट हैं ये, अरे कितने प्यारे से बच्चों ने बुलाए हैं, बीटरूट वगैरह। आपका नाम क्या है, कहाँ से आयो? अलेक्जेंडर। ओके बनाओ बनाओ यार, मेरी बात सुना, अरे वो चीज चसते नहीं, इसको चसा था उन्हें, चसके बिना मन जाता है यार, ये भी ट्रिक मुझे करनी है, चलो ऑल द बेस्ट, ठीक है। दीज क्यूट लेडीज ओवर हेयर एंड शी गॉट अ बिग ट्रे एंड ऑल एंड शी गॉट सो मेनी वेजिटेबल्स। हाई हाउ आर यू, वाइन कहाँ से हो? हाँ उदय वाला DPS ना, ओके ओके, थोड़ा पैनिक लग रही है, थोड़ा शाय शाय। तो आपका, आपको साइड में क्या चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है आपको? रेडिश। ओके तो रेडिश सब लाई है हमारे लिए, कोई बात नहीं। गाइज दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट टेबल राइट नाउ, मास्टर शेफ क्यूटी, यू गॉट गॉन मास्टर शेफ, ओके ये बहुत है गाइज, हैव मास्क ना, कोई बात नहीं। तो यू हैव चिल्लीज राइट नाउ एंड यू हैव क्या बोलते हैं इसको, कोरिएंडर, है ना, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, धनिया 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 धनिया, ओके। अच्छा कैसे एक्साइटमेंट है प्ले वे में? अच्छा स्कूल अच्छा है, टीचर्स अच्छे हैं, मैं अच्छी हूँ, बस वेरी गुड वेरी गुड, बनाओ बनाओ, ज़्यादा मिर्ची मत डालना यार। तो मैम कितना काम कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वाला। ये लॉरेंस की दो ब्रांचेज आई हैं हमारे पास, जहाँ पे ये लॉरेंस की दो ब्रांचेज हैं, जहाँ पे ये हैं सिद्रा वाले और ये हैं पंचतीर्थ। पहली बात उनके बाल कवर्ड हैं, मुझे सी लगी था कि बाल वाल ना गिरे, हाइजीनिक पूरा, ग्लव्स। कैसा लग रहा है प्ले वे में आके आपको, स्कूल कैसा लगा, स्टाफ मैनेजमेंट बढ़िया, क्या बोलते हैं लॉरेंस की सेकंड ब्रांच यहाँ रही। हाय 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 फूल, ये फ्लावर मुझे बहुत देर गिफ्ट चाहिए, क्यूट क्यूट, ओके। आई मैं बात सुनो, घर पे जब काट रहे थे मम्मी ने बोला ना कि लड़कियों के काट रहे, ऐसे बोलते कुछ घर पे ऐसे काटते हो, आपकी वाइफ बहुत खुश नसीब होंगी, मैं शर्मा गया, ओके। यू कैन सी इनका मैंने वाइट ले लिया, बॉयज ही कर रहे हैं ग्रेटर एंड ऑल एंड ये लड़के अच्छे से मास्टर शेफ की टोपियाँ पहनी हुई हैं, क्या बना रहे हो? डॉल, ओके ग्रेट, ऑल द बेस्ट, ठीक है। स्कूल कौन सा आपका? URL वाइलर, ओके। तो गाइस सारे बच्चे कवर कर लिए मैंने, क्योंकि कोई जाना चाहिए, मैं बच्चा हूँ, मैं रहेगी तो बुरा लगता है ना, बाकी हमारे सर चक्कर लगा रहे हैं, नीता मैम पीछे हैं। अनीता मैम सबसे ज़्यादा क्या पसंद है आपको सैलड में? सैलड में मुझे क्यूकम्बर एंड बीटरूट पसंद है। बस बस बच्चों यही बना लो, मैडम मैडम आ जाएगी मैम, बच्चों की हमें क्या देखी, अभी हमारे जो बाकी के जजेस हैं मेरे को छोड़ के वो जाके चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि मैंने तो लगा लिया अब, तो आई एम गोना रिमार्क ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन एंड टेस्ट, क्योंकि मैंने सोचा कुछ भी नहीं खाया हुआ है। एंड यू नो व्हाट, जब चाय आई ना और कहते हैं मैम सर्व एंड एवरी वन इज कॉलिंग मी मैम, आई वाज लाइक यार शिट मैम बोल रहे हैं, एंड बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अनीता मैम बहुत अच्छा, अनीता मैम का सूट भी बड़ा प्यारा लग रहा है मुझे, बाद में अनीता मैम से पूछना सूट कहाँ से लेना, बहुत प्यारा है सूट एंड का, मुझे बड़ा पसंद है, ऑनलाइन है लेते हैं बाद में। काफ़ी टाइम बैठ चुके हैं हम जजिंग टाइम करते हैं, क्योंकि बाकी के जज दे रहे हैं विक्रम सर एंड हमारे ये बड़े सर विनोद सर भी दे रहे हैं, और मैम बड़ी स्माइल अच्छी लगती है इनके वाले क्यूटी, एंड हमारे साथ यहाँ पे मीडिया पर्सन भी हैं प्यारे से, हेलो सर। चलिए चलते हैं जजिंग टाइम, शुभम सर ने स्पेशली कैमरा वगैरह रिकॉर्ड कर पाऊँ और ये चीज़ के नीचे टी शर्ट पहन के चले आना, नाम मिलता है ना, हेयर इज अ K1, इफ आई वॉन्ट टू गिव द मार्क्स एंड ऑल्स दिस इज अट क्रिएटिविटी हमारे घर में, सारे सलाद काट के राजमा चावल से रख देते हैं, मम्मा खाओ नींबू निचोड़ के, यहाँ पे कुछ नया दिख रहा है, दो मर्जी बोलो, ये मेरा फेवरेट है, ये मेरा फेवरेट है। स्टूडेंट्स एंड जजेस, वी हैव ए प्रिटी लेडीज ओवर हियर, सॉरी मैं थोड़ा लेट आई, मैंने कहा पहले बच्चों को देख लेते हैं। मैम कैसे हैं आप पहले बताइए, आपका कुर्ता अच्छा है, हाँ सभी को मैं कपड़े देख रही थी पहले, मैं देख लेती हूँ सभी की लिपस्टिक शेड अलग अलग से, मैम साड़ी पहन के आया मुझे बड़ी फैसिनेटिंग लगी, साड़ी मैम कैरी हो जाती है, मैं पहनती हूँ, सर गिरती है मेरी यूनिफॉर्म, टीचर्स की स्कूल कौन सा मैम आप, ह्यूमैनिटी, एक सेकेंड ह्यूमैनिटी वाले कौन कौन है बताओ जरा, टीचर साड़ी पहन के आ गए वहाँ पे, बढ़िया बढ़िया,
यहाँ पे जितने स्कूल सिखाए ना मैंने आप सबको, ईच स्कूल की टीचर रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पे एंड टीचर्स दिखाते हैं आपको. और अगर टीचर अच्छे लगेंगे तो स्कूल में एडमिशन ले लेना, चाहे आप कॉलेज छोड़ के आ जाओ. मैं प्ले वे में पढ़ने लगी हूँ क्योंकि प्ले वे में जो बच्चे छोटे छोटे ना, सुबह मैम जब आई बच्चे प्रेयर करें एंड ये ऐसे कर रहे हैं, मैं बोलूँ हाई कितने क्यूट लग रहे हैं. एंड यू कैन सी ईच स्कूल के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाएगा. हाँ जी, हेलो मैम, कैसे आप? ठीक है मैम, आप सैड लग रहे हो. हाँ ठीक नहीं मैम, कोई बात नहीं, कुछ चाहिए होगा मैम मुझे बता देना, आपको चाहिए होगा आपको तो. मैम अलग से स्माइल, मैम कैसे हो आप? मैम गुस्से की आपने सबने बाल किए, स्कूल याद आ गया मुझे अपना कुछ देख के आपके. मैम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा. मैम कौन स्कूल रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप? पंचती थी वाला, मेरी बहन वहीं से पढ़ी है एक. हाँ जी हाँ जी, रिश्ता जुड़ गया मेरा, मेरी बहन वहीं पढ़ी है मेरी एक. बढ़िया बढ़िया, पहचान लेगी आपको शायद से. मैम वंस मोर, आप कौन स्कूल रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप? हम लॉरेंस पब्लिक स्कूल सिद्रा. देखा दोनों साइड साइड बैठे अलग से, एक दोनों टीचर भी और दोनों स्टाफ भी उठाए हो. मैम भी लाइक जो मर्जी थे पर लॉरेंस में ही आना, जो भी आना है. होप सो. हम कोई चक्कर नहीं. ओके एक टेबल लगाया गया. हाँ जी, यस मैम. अदरवाइज हम बाकी स्कूल्स में जाते हैं, वहाँ पे करते हैं अलग अलग टेबल. हाँ जी हाँ जी, बच्चों के साथ या चेयर. ओके ओके, वैसे ठीक है. कपड़े कहाँ से लिए, कौन सी शेड लिपस्टिक की, सब आराम से डिस्कस कर रहे हैं भाई. बट इतनी टेंशन, मतलब बोर्ड्स में नहीं उनको जज करते हुए थी, मैं सब कितने प्यारे हैं. मेरे को समझ आ रहा है कि टीचर्स में कितनी रिस्पॉन्स, सर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने फेस किया, टीचर्स कैसे करते हैं जज. प्ले वे में हो रहा है और प्ले वे हाउस में हो रहा है, तो ये जो स्कूल है ना, नाम से प्ले वे था बट यहाँ पे 12th तक है. सर वाई प्ले वे नाम? Because, जो पढ़ाई के लेकर हमारा अप्रोच होना चाहिए बस भी क्लेवियन है. हमारा प्रेजेंट डे एकेडमिक सिस्टम जो है उसमें अर्लियर टाइम्स में क्या रहता था, ज़्यादा जोर रोड लर्निंग इन चीज़ों पर होता था. बट राइट फ्रॉम डे वन आवर फोकस इज मच ऑन focusing much on like when these students come to school they should always feel like they are learning also in a play play way method. So I believe education must be taught in a play way method. So that's why we have kept the name play way. बहुत ज़्यादा स्माइल देखो बच्चों के, बच्चे अभी रिजल्ट अनाउंस करवाएंगे. वो लड़कियाँ वो हैं. एक्चुअली बिल्कुल फेयर डिसीजन था, सर ने लास्ट में कहा कि सेकंड वालों को थर्ड में शिफ्ट कर देते हैं. देखो हम तो न्यू फील्ड में, टीचर्स नोज वेरी वेल एंड ऑल, बट काफ़ी मज़ा आया हमको करने का. बाकी एक्सपेक्टेशन है किसी और को, बट हमें भी थी क्या बोलते हैं, बट बहुत मज़ा आया. आप थोड़ा एक्सप्लोर करके निकलते हैं थोड़ी देर तक यहाँ. इवेंट खत्म होता है, स्कूल बहुत अच्छा है. स्लाइड देखी तुमने पहले यहाँ पे, मतलब टीचर्स बहुत इंटरेक्टिव हैं बच्चों के साथ. 12th तक स्कूल है. जाने से पहले मैं अपना पर्स ले लेती हूँ ऊपर से. अनिकिता मैम और अरुण सर को अनिकिता मैम थैंक्स कर रहे हैं बहुत अच्छे से और बहुत मज़ा है. सब शेयर करते हैं थोड़ी, और थैंक यू सो मच वॉचिंग. अगर मैंने लास्ट तक देखा है बस अनिकिता मैम को मैं जा रही हूँ मैं अपना पर्स ले लिया. थैंक यू सो मच इनवाइटिंग मी, बहुत प्यार रहे हैं. स्कूल का लिंक लेते हैं थोड़ी देर में, ठीक है? और सबसे मेन बोल देना कि अगर एक बॉडी में स्पाइन होती है, स्पाइन की इवेंट किए थे. ओह माय गॉड, निकिता दीदी मुझे कैपेबल समझ. थैंक यू सो मच सर से मिलके मैं निकलती हूँ बस में लॉरेंस की. ओके फाइनली सर दिख रहे हैं, मैं जा रही हूँ. कैसा लगा आपको? लॉरेंस वालों ने लिफ्ट दिया मेरे को भैया. हेलो ठीक हो? लिफ्ट दे दो मुझे यार.
चलो चलो आई एम सॉरी, वो मैं टीचर्स से प्रिंसिपल सर को बाय बाय कर दी। जोर से बोलो, सारे बोलो, चलो सर।